फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज 18 ग्राम पंचायत और गौशालाओं के लिए नए टैंकर बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिरसा लोकसभा के सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। ये टैंकर सांसद निधि की राशि से खरीदे गए हैं। सांसद सुनीता दुग्गल ने हरी झंडी दिखाकर इन टैंकरों को रवाना किया, लेकिन इस दौरान इन टैंकरों को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि जो टैंकर बांटे गए हैं उनमें जले हुए टायर लगाए गए हैं, जिसके बाद टैंकर लेने आए कई ग्रामीणों ने टैंकर लेने से मना कर दिया। इस मामले को लेकर सुनीता दुग्गल से जब सवाल पूछा गया तो वो अधिकारियों को बचाते हुए नजर आई और कहा कि कंपनी के द्वारा 6 महीने की वारंटी दी गई है और इन टायरों को बदला जाएगा। सुनिए इस मामले पर दुग्गल ने क्या कहा। देखिए, ऐसा है कि ये मुझे भी अभी यहाँ पर आकर जो है किसी से थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी मिली है। ये गोहाना से आए हैं टैंकर और वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक आए हैं, और उसके बाद यहाँ पर अगर कहीं एक दो जगह में किसी टैंकर के अंदर किसी टायर में कहीं कोई दिक्कत आई है तो मैंने एक्सिन साहब से बात करी, एसडीओ साहब से बात करी, इन्होंने मुझे बताया कि जिस भी कंपनी से लिए गए हैं उनसे 6 महीने की इसकी वारंटी है, और अगर ये कहीं दिक्कत वाले तो इनको रिप्लेस कराएंगे। ये नहीं है कि हम अगर कहीं पे भी कोई भी, देखो मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे कोई जो है गड़बड़ हो भी सकती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहीं पर है तो उसको रिप्लेस कराएंगे हम। ये नहीं है कि हम जो टायर अगर खराब है तो उसको ऐसे कैसे हम किसी को थोपने का काम नहीं कर रहे हैं। इसमें 1,40,000 रुपया लगा है बकायदा, और पानी का टैंकर देने की हमारी ये कोशिश है कि गांव वालों को उसका लाभ मिले। तो इसलिए जहां पर जो भी जिनमें कोई दिक्कत है, अगर बाकी सब ठीक है, आप देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई एकादा कोई में अगर दिक्कत है तो एक्सिन साहब एसडी साहब दोनों ने कहा कि उसको हम ठीक करेंगे। हाँ जी, देखिए नहीं, देखिए आप सुनिए इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे जो अगर सपोज जो टायर है, जो टायर जो कंपनी बनाती है, ये अधिकारी तो बनाते नहीं, ना इन्होंने बनाया, ना इन्होंने बनाया, ना मैंने बनाया। हमने पैसा दिया, पैसा देने के बाद जिस कंपनी से ये बन के आया उस कंपनी को जो है वो हमारे दोनों अधिकारी हैं वो जांच करेंगे, देखेंगे कि भी कंपनी ने गलत माल क्यों लगाया, और कहीं भी कोई इस तरह की कोई दिक्कत पाई गई तो आगे से उस कंपनी से आप लोग जो है उसको रिप्लेस। वहीं उन्होंने कहा कि वो लगातार अपनी लोकसभा और जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है और लोगों की समस्याओं का निदान भी किया जा रहा है। हालांकि कुछ समस्याओं के निदान को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।